वेलकम बैक। तो अभी पहुंच गए हम अनरिंकल डैम। तो ये डैम है इधर का, मुन्नार का, काफ़ी हद तक बढ़िया है क्योंकि पानी नहीं है। पानी होता तो और भी मज़ा आता। ये देखो, सूखा पड़ा हुआ यार डैम में, तो पूरा सूखा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, पानी है ही नहीं। क्या है पता नहीं क्या है इधर, है क्या ये पेन इसका पता ही नहीं क्या है भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है इधर। बोल रहे हैं जीप में बैठो और जाओ, पर है क्या इधर। कितने रुपये? 75 रुपीज़। तो ऊपर बोल रहे हैं अच्छा व्यू है, 75 रुपीज़। अब समझ में आया कुछ, अब क्या व्यू है पता नहीं, बाकी चलते हैं देखते हैं एक बार। चलते हैं देखते हैं यार क्या 75 रुपीज़ हो गए। जब आए हैं तो सब कुछ देखना चाहिए, कितना दिखाएं। 75 रुपीज़ फॉर दिस एंड गो। ओके देखते हैं क्या है। अच्छा व्यू देखते हैं चल के। चलो भाई चलो। काफ़ी सारे हैं इधर और हवाएं काफ़ी तेज हैं, काफ़ी सारे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, हवाएं सच में
का व्यू दिखाता हूँ जो कि तमिलनाडु पड़ जाता है। अभी इधर एक केरल है, उधर तमिलनाडु पड़ जाता है। ये देखो बॉस, बहुत ही ज़बरदस्त। जैसे पबजी में नहीं दिखाते ऊपर से पहाड़ी से नीचे जाते हैं, वैसा सेम सीन है। काफ़ी अच्छा, आगे चलते हैं ऊपर। हवा से गिरना जमा कर उधर। हवा से इधर ना गिर जाऊँ, खत्म है कहानी। अगर हवा से इधर गिरा तो खत्म है कहानी। वापस आ गए हैं। ऊपर गया था, हवा ज़्यादा चल रही थी तो वहाँ आवाज़ तो आने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ शूट किया वहाँ। तो जो था उसके पीछे का हिस्सा तमिलनाडु का है और इधर का हिस्सा केरला का है, और पबजी वाला पूरा सीन हो रखा था। जैसे पबजी में फील्ड दिखाते हैं उसके ऊपर पहाड़ी दिखाते हैं, वो वाला सेम सीन था यार। बहुत ही जबरदस्त था, मज़ा आया। और जितने भी ये फैंस हैं बड़े वाले, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। वो तो ट्रांसफार्मर भी मैंने दिखाया था आपको, ट्रांसफार्मर वगैरह लगे हुए हैं तो नीचे बिजली आती है, तो यहाँ पर हवा से बिजली प्रोड्यूस करते हैं। काफ़ी अच्छा प्लान है यार। क्या भैया 100 ओके। कैसा लगा भाई? अच्छा, कैसा था? अच्छा। बहुत अच्छा था। पबजी वाला ड्रॉप कर रहा है ना, बस वो रह गया अपना, क्या बोलते हैं वो, एयर ड्रॉप रह गया यार। बाकी मज़ा आया एक नंबर, एयर ड्रॉप मिल जाता तो मज़ा आ जाता। वो होता पैराशूट। तो गाइस मिलते थोड़ी देर बाद, अब देखते हैं यहाँ से इसके बाद कहाँ जाएंगे। वापस आ गए जो गुफा थी, और ये मौसम देखो यार, क्या मौसम हो गया। सिर्फ 5 घंटे के अंदर मौसम चेंज हो गया। 11 बजे यहाँ थे हम दिन में, और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। सिर्फ 5 घंटे के अंदर ये देखो।
भाई साहब ये देखो, हाँ जी बारिश आ गई है शायद, बारिश हुई है शायद हल्की हल्की। और ये कोहरा देखो यार, धुंध कितनी आ गई है, देख सकते हो। मज़ा है यार मुन्नार का, ये मैं मानूंगा। मुन्नार आप आओ, आप कहोगे यार कोई जगह है ये, जो हर दो चार घंटे में मौसम चेंज होता रहता है। दोपहर को जो टेम्परेचर था वो 25 के आसपास था, जो 11 बजे में आया था इधर, और अभी 4 घंटे बाद जस्ट नीचे से ऊपर आए हैं 30-40 किलोमीटर के आसपास। और आप मौसम देखो यार ये ये देखो क्या ज़बरदस्त मौसम हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो भाइयों मुन्नार सिटी में वापस आ गया हूँ और लगी है भूख, तो देखते हैं कुछ खाने को। तो यहाँ एक रेस्टोरेंट है ये श्री अन्नपूर्णा, तो यहाँ से कुछ खाते हैं, भूख लगी है यार बहुत तेज। काफ़ी चीज़ है और थाली वगैरह तो ख़त्म हो रखी है, तो मैंने मंगाया है गोभी परांठा, ये गोभी का परांठा खाते हैं, चलते हैं यहाँ से गोभी परांठा खाते हैं इसको। सूखा हुआ मजा नहीं आया। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।